ये थाने पर आया फरियादी कोई और नहीं, एक दूल्हा है। दरअसल ये दूल्हा अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा है और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताए और कार्रवाई की मांग की। बता दें कि ये हैरान कर देने वाला मामला अमरोहा से सामने आया है। यहाँ बैठने की जगह नहीं देने पर दूल्हा भड़क गया। इस पर लड़की पक्ष ने दूल्हे और बिचौलियों को पीट दिया, जिसके बाद दूल्हे ने कोतवाली में शिकायत दी है। दूल्हे का कहना है कि लड़की पक्ष के लोगों ने बैठने का कोई इंतजाम नहीं किया। इसी को लेकर बिचौलिए ने लड़की के मामा से बैठने के स्थान के बारे में पूछा। इस बात को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जमकर मारपीट हुई। हंगामा होने पर दूल्हा अपनी कार लेकर साथियों के साथ कोतवाली पहुंच गया और सुरक्षा की मांग की। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। कहाँ से? निवासी अकोंदा, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। तो क्या मामला हुआ बारात में, बताएं पूरा आप? मेरी सर बारात अगरोला कला आई हुई थी और लड़की पक्ष के कुछ लड़की के मामा वगैरह ने आके मेरे साथ और मेरे बिचौले के साथ मारपीट की, जिसमें मेरे मतलब जो माला वगैरह थी वो भी छिन गई है और घड़ी वगैरह की रस्म होगी थी वो भी छिन गई है और ये गले पर निशान भी है। मेरा गिरवान वगैरह पकड़ा और मेरे साथ मेरे बिचौले के साथ मारपीट की, जिसमें निशान भी है, डंडे के निशान भी है पीछे। तो कौन से गांव में आई थी? अगरोला कला। तो क्या चाहते हैं आप? बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सर, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। जैसे लड़की पक्ष आरोप लगा रहा है कि 10 लाख रुपए नहीं मिले, इस वजह से बारात जो उन्होंने वापसी दूल्हा वापसी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मैंने किसी से कोई डिमांड नहीं करी किसी चीज की भी। अगर वो शादी के लिए राजी हैं तो आप फेरे फिरेंगे? फेरे तो होंगे सर, लेकिन वो दोबारा मारने लगी मेरे को तो सुरक्षा की जाए सर। उधर लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि फेरे होने से पूर्व एन वक्त पर दूल्हा पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई, मांग पूरी नहीं होने पर फेरे लेने से मना कर दिया। 7 तारीख में लगन गई है, अब जो सही लगन चढ़ गई, अब हम चढ़ा के आए गए, अब घर बारात आए गई, अब लोन 10 लाख रुपए मांग रहा है नगद, और जब लौंडिया के फेरे लेने कह रहा है और छोड़ कर चला गया और गाड़ी मांग रहा है 4 पहियों की। ऊपर को बोल तू। हाँ भैया तो कार्ड पढ़ने हैं, पापा गरीब है, फेरे लेने को मांग रहे हैं, जब लेंगे फेरे 10 लाख रुपए तो नगद। मेरे बाप गरीब है, मेरे बाप कहाँ दे इस पर नंगे पे है क्या, झोंपड़ी है इसका रहने को ठिकाना ना। क्या बोलना है? फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और समझौते के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट।